गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो कि असेसमेंट ईयर 1920 से रिलेटेड निकल के आ रहा है। जी हां फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 1920 के लिए नॉन ऑडिट केसेस का जो ITR फाइल करने का लास्ट डेट है वो अब बहुत ही नजदीक आ चुका है, जो कि 31 जुलाई 2019 है। तो ITR 1 जो सैलरीड पर्सन हैं उनको जो फाइल करना है ITR 1 के अंदर, उनके लिए काफी बड़ी रिलैक्सेशन दी गई हैं इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर। क्या है वो रिलैक्सेशन, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ITR 1 जो है वो बहुत ही हद तक अपने हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल वो ऑटोमेटिकली आपको अपने आप भर के देने वाला है आपकी रिटर्न के अंदर, आपको भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे ये नया इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस जो है ये काम करेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ITR 1 फॉर असेसमेंट ईयर 1920 खुद से फाइल करना सीखें। जी हां फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ITR 1 जो है वो खुद से भी फाइल कर सकेंगे, क्योंकि इसमें जो बेसिक डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, और आपका जो डिटेल्स है इनकम डिटेल्स वो भी आपके सामने ऑटोमेटिकली फिल्ड अप आएगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो आप अपने किसी कंसल्टेंट का हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या है ये चेंजेस वो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के अंदर। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल वाले सेक्शन में। ई फाइल वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको करना है इनकम टैक्स रिटर्न वाला ऑप्शन को सिलेक्ट। इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगा, जहां पर आपको अपना बेसिक डिटेल्स सिलेक्ट करना है। मतलब आपका कौन सा असेसमेंट ईयर है जिसका आप फाइलिंग करना चाहते हैं, कौन सा आपका फाइलिंग मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा या मैनुअल होगा, वो उन सारी चीजों के बारे में। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पैन नंबर आपका, असेसमेंट ईयर कौन से वाले के लिए है। तो अभी हम लोग फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 1920 के लिए। ITR फॉर्म जो हम लोगों को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है ITR 1, क्योंकि सैलरीड वालों के लिए ITR 1 अभी अवेलेबल है और इसमें ही डेटा जो है ऑटोमेटिकली फिल्ड अप आएगा। ये बेसिकली फॉर्म है सैलरीड क्लासेस के लिए। फाइलिंग टाइप आपके लिए यहाँ पर रहेगा ओरिजिनल या रिवाइज, जो भी आप फाइल करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सबमिशन मोड में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। अगर आप अपलोड XML करेंगे तो आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर सारा डेटा जो है आपको मैनुअली फिल करना है। अगर आपको ऑटोमेटिक फिल्ड अप डेटा चाहिए तो आपको सिलेक्ट करना होगा प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द फॉलोइंग डिटेल्स शैल बी प्रीफिल्ड इन द ITR फॉर्म। यहाँ बताया गया कि कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो प्रीफिल्ड आएंगी, ऑटोमेटिक फिल्ड अप आएंगी ITR फॉर्म में। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी में जो है सारी चीजें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले है पैन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शैल बी प्रीफिल्ड फ्रॉम पैन डेटाबेस। आपका पैन नंबर, आपका नाम एंड आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके पैन डेटाबेस से ऑटोमेटिकली फिल्ड अप हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। एड्रेस, आधार, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी शैल बी प्रीफिल्ड फ्रॉम ई फाइलिंग प्रोफाइल, प्लीज अपडेट ई फाइलिंग प्रोफाइल बिफोर प्रोसीडिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझना। इसमें ये बताया गया कि आपका एड्रेस, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी जो है, जो आपने इनकम टैक्स के अंदर प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है, उस प्रोफाइल में जो डेटा आपने पुटअप किया होगा वही डेटा आपके ITR के अंदर चला जाएगा। अगर आपके प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल की सेटिंग्स में जा करके आप अपने प्रोफाइल को चेंज करिए, और वहां पर आपको जो भी चीज अपडेट करना है पहले वहां अपडेट कीजिए, तब आप यहां पर आगे प्रोसीड कीजिएगा। वो चीजें कैसे करनी है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया गया है। टैक्स पेमेंट TDS एंड TCS डिटेल्स शैल बी प्रीफिल्ड फ्रॉम द 26 AS। क्या आपका टैक्स कटा हुआ है, क्या आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है, या फिर क्या आपके बैंक ने TDS काटा है या TCS काटा है, वो सारा डेटा आपके फॉर्म 26 AS से ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर के ITR 1 के अंदर दिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ सैलरी इनकम अलाउंसेस एंड डिडक्शंस शैल बी प्रीफिल्ड फ्रॉम द अनेक्सर 2 ऑफ फॉर्म 24Q। यहां तक कि आपका जो सैलरी इनकम है, जो अलाउंसेस है, उन सारी चीजों का डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली फिल्ड अप आ जाएगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 24Q फाइल कर दिया है तो उसका जो पार्ट भी वो लोग भरते हैं
उस पार्ट बी से एनेक्सर 2 से डेटा ऑटोमेटिकली आपके आईटीआर 1 के अंदर एप्रोप्रिएट कॉलम में चला जाएगा। कैसे होगा चीजें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी प्रीफिल्ड फ्रॉम लास्ट आईटीआर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल्स है जो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में डाला होगा वो सेम डेटा आपके पास ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएगा। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो आप मैनुअली चेंज कर पाएंगे। डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम टर्म डिपॉजिट शैल बी प्रीफिल्ड फ्रॉम फॉर्म 26AS। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है जिसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट इनकम आती है और TDS कटा हुआ है तो जो डेटा आपके 26AS में आ रहा होगा आपके बैंक का नाम, उसका टैन नंबर, इंटरेस्ट इनकम एंड टैक्स डिडक्ट है वो सारा डेटा 26AS से ऑटोमेटिकली प्रीफिल होगा आपके ITR के अंदर। डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम डिटेल्स अंडर सेक्शन 24 244A फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। जो आपका इनकम टैक्स रिफंड के अंदर कुछ इंटरेस्ट बना होगा तो वो आपकी ई फाइलिंग पोर्टल से ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। टैक्स रिलीफ अगर है 89 सेक्शन के अंदर तो वो आपका 24Q का जो पार्ट बनता है उससे डेटा लिया जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स शैल बी प्रीफिल्ड फ्रॉम लास्ट फाइल्ड ITR एंड ई फाइलिंग प्रोफाइल। जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो पिछले साल का फाइल किया है उसके अंदर जोन सा बैंक अकाउंट आपने दिया है और आपकी ई फाइलिंग पोर्टल पे जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए गए हैं उन सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑटोमेटिकली डेटा जो है आपके करंट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। वेरिफिकेशन डिटेल्स सेल्फ ऑब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पैन डिटेल्स एज एप्लीकेबल बेस्ड ऑन लॉग्ड इन पैन। अगर आपका जो वेरिफिकेशन डेटा है जहां पर आपका नाम, आपका पैन नंबर आता है वो आपके लॉगिन डिटेल्स के साथ मैच किया जाएगा और उसके साथ जो है अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करवाया जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स है। जितने भी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने पिछले ईयर में डाले होंगे सारा बैंक अकाउंट का डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम एंड सोर्स। सोर्स में आप देखेंगे यहाँ पर प्री वैलिडेटेड दिया गया है। प्री वैलिडेटेड का मतलब होता है कि अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड चाहिए तो आपको अपना बैंक अकाउंट इनकम टैक्स के साथ प्री वैलिडेट कराना होता है। प्री वैलिडेट क्या कैसे करना होता है उसकी वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक करी हुई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को रेफर नहीं किया है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और आप अकॉर्डिंगली अपना बैंक अकाउंट जो है उसको प्री वैलिडेट करवा पाएंगे। आपको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से अकाउंट में रिफंड मंगवाना है इनकम टैक्स का। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो सा अकाउंट चाहिए आप उसी अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे ताकि रिफंड जो है आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाए। यहाँ पर सारा बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको मैनुअली भरने की जरूरत नहीं है। ये सारा डेटा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के साथ दिया गया। अब यहाँ पर अगर आपको हिंदी फॉर्म चाहिए तो आप इसे यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये फॉर्म जो है आपके लिए हिंदी में भी ओपन हो जाता है। अब हम लोग करते हैं कंटिन्यू। आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके सामने ITR 1 का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन, उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन और उसके बाद आपकी इनकम डिटेल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे सामने ओपन हो चुका है ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि एक सैलरीड पर्सन को बेसिकली भरना होता है। इसका हम लोग चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे ही आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में जाएंगे तो जो पार्ट बी है ग्रॉस टोटल इनकम का, उसका पहला कंपोनेंट जो कि हमारा होता है सैलरी का, तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी में हमारे पास आप देख पा रहे हैं 18,22,672 रुपए ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये हमारा आ रहा है एनेक्सर 2 ऑफ फॉर्म 24Q से। ये पहले ऑटोमेटिक फिल नहीं होता था, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होगा जो भी आपके एम्प्लॉयर ने डेटा पंच किया होगा। आप चाहे तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई भी डेटा गलत आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आपका सैलरी अमाउंट और कितना आपका परक्विजिट्स है उन दोनों का ब्रेकअप भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो ये काफी आसान कर दिया गया है ITR 1 सैलरीड पर्संस के लिए। यहाँ पर आपको क्रॉस चेक करने के लिए एक डेटा यहाँ शो हो रहा है, आप अपनी फॉर्म 16 से इस चीज को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेट सैलरी आ गया जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 16 है, जो अंडर सेक्शन 16 डिडक्शंस मिलते हैं जो आपके फॉर्म 24Q में होगा वो भी यहाँ पर शो किया जा रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट यहाँ पे शो किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर कुछ रहता है, मतलब कहने का ये है कि फॉर्म 16 का जो पार्ट बी होता है उसका सारा का सारा डेटा आपके ITR 1 में फिल्ड अप हो जा रहा है। प्रोफेशनल टैक्स 2400 रुपए अगर कटा हुआ है तो वो भी शो हो रहा है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्ड अप है। अब इस केस में हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पर नहीं दिखाया गया।
उसके बाद आप देखेंगे तो पार्ट सी के अंदर डिडक्शन भी दिया गया है कि आपका एटीसी एटीडी एटीई के अंदर क्या डिडक्शन आपने क्लेम किया है जो कि आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 के अंदर डिस्क्लोज किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एटीसी के अंदर जो हमारा डिडक्शन फॉर्म 16 के अंदर है 101,697, ये भी ऑटोमेटिकली आ रहा है और सिस्टम आपको बता रहा है कि 101,697 रुपए का डिडक्शन आपको दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिडक्शन अवेलेबल रहेंगी जो फॉर्म 16 में है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएंगी। फिर यहाँ पर टोटल डिडक्शन दिखा दिया गया और टोटल इनकम जो आपकी सैलरी इनकम थी माइनस डिडक्शन करके जो नेट टोटल इनकम आया वो यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स भी सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली करके आपको दे रहा है कि टैक्स कितना पेबल बनता है, आफ्टर रिबेट कितना टैक्स बन रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या अमाउंट का है और आपको रिलीफ कुछ मिला है या नहीं। उसके बाद जो नेट टैक्स पेबल आपका बना वो बना 3,28,717 रुपए। ये सारा डेटा आपने एक बार चेक कर लिया, इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखना होगा टैक्स डिटेल्स के अंदर। आप जैसे ही यहाँ पर टैक्स डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपके एम्प्लॉयर का डिटेल्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ डिडक्टर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी एंड टोटल टैक्स डिडक्टेड, ये सारा अमाउंट जो है यहाँ पर शो होने लग रहा है। उसके बाद आपका अगर कुछ बैंकिंग से कुछ कटा हुआ है टीडीएस तो आपका वो अमाउंट भी यहाँ पर पूरा तरीके से शो हो जाएगा जो आपके फॉर्म 16A के हिसाब से इशू किया गया होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका बैंक का नाम, उसका टैन नंबर और कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना टीडीएस कटा है, वो भी यहाँ पर शो हो गया। इन सारी डिटेल्स को आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं और क्रॉस चेक करने के बाद आप अपनी आईटीआर जो है अकॉर्डिंगली फिल्डअप कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे जैसे ही टैक्स पेड वाले ऑप्शन के अंदर एंड वेरिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पर जितना टीडीएस हमारा पिछले पेज में आया था वो सारा टीडीएस यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अमाउंट पेएबल जो है वो कितना आपके सामने बन के आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए गए हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट के अंदर आपको डेटा जो है रिफंड का मंगवाना है और अमाउंट जो रिफंड का है वो कौन से अकाउंट में आना चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा स्टेप लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ताकि डेटा जो है दोबारा से हम लोगों को फिल ना करना पड़े और आगे चल के कोई परेशानी ना हो, इसीलिए ऑटोमेटिकली फिल्ड अप डेटा के जरिए आप अपनी ITR1 जो है ऑनलाइन बहुत ही कम समय में आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है ITR1 भरने में तो आप कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, अपने से इस चीज को करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो इनकम टैक्स का मामला जो है वो काफी ज्यादा जटिल हो सकता है आगे चलकर। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि ITR1 असेसमेंट ईयर 1920 के लिए जो फाइल करना है उसके अंदर जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड बुक्स परचेज करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उसे रेफर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।